मैं किसी भी समाज की तरक्की इस आधार पर आंकता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए इन शब्दों के आईने से अगर आज के भारतीय समाज को देखा जाए तो आप क्या पाएंगे? क्या वाकई में आज भारतीय समाज की महिलाएं खुलकर तरक्की कर पा रही हैं? क्या वाकई आज भारतीय समाज की महिलाएं आजाद हैं? अगर हां तो आखिर क्यों आज भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं? कहा तो यह भी जाता है कि महिला महिला की दुश्मन होती है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखने सुनने और समझने के बाद आपकी यह विचारधारा भी पूरी तरह से बदल जाएगी। असल में बात उस दौर की है जब महिलाओं को केवल एक भोग वस्तु के रूप में देखा जाता था। उस समय महिलाओं का काम सिर्फ इतना था कि वे अपने परिवार और बच्चों को संभाले। मनुवाद की बेड़ियों में जकड़ी हुई महिलाएं उस समय पुरुषों के सामने न तो अपनी बात सही से रख पाती थी और न ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाती थी। लेकिन ठीक उसी दौर में ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने मनुवाद की इस घटिया सोच के सामने महिलाओं के हक के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे आज तक कोई नहीं भुला पाया, और इन्हीं दो महिलाओं का नाम है सावित्री बाई फुले और रमाबाई। जय भीम, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप सभी का दास रुद्रा के बहुजन शो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों महिलाओं के बारे में जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए अपने प्राण त्याग दिए लेकिन पीछे नहीं हटी। सावित्री बाई फुले और रमाबाई, यह दोनों ऐसे नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों से आज तक कोई नहीं मिटा पाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया है यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, महिला की पीड़ा सिर्फ एक महिला ही जान सकती है। इसी बात को मन में ठानकर सावित्री बाई फुले और रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ किया, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक कवि की यह पंक्तियां सुन लीजिए। कभी गर्भ में खामोश कर देता है जमाना, कभी मेरे अपने भी मुझको कर देते हैं बेगाना। कहीं जीवन में मैं बलात्कार को सह रही, क्यों जाती हमारी रोज अत्याचार को सह रही। मेरे जीवन में क्यों ये पतझड़ की रुताई है, मुझ पर जुल्म सितम की क्यों ये रिहाई है। नोचते जो जिस्म को मेरे कहते हैं इंसान, यही इंसान है तो जीवन हमारा वीरान। महिलाओं की दुर्दशा की कहानी आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मनुस्मृति के पांचवें अध्याय के 148वें श्लोक में यह बात लिखी है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं रह सकती। मनुवाद की इसी घटिया और वहश्यपने की सोच से लड़ते हुए सावित्री बाई फुले जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किए वह आज किसी से छिपे नहीं है। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री जी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रथा में था और महिलाओं का पढ़ना एक पाप समझा जाता था, इसलिए सावित्री भी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर ज्योतिबा फुले ने उन्हें परिवार और समाज दोनों से छिपाकर पढ़ाया। हालांकि रमाबाई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समाज में रहकर ऐसे काम किए थे जिनकी बदौलत वह आगे चलकर महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हुई। वह किताबी ज्ञान तो नहीं जानती थी, लेकिन किताबी ज्ञान के महत्व और उसकी शक्ति को बहुत बारीकी से पहचानती थी। सामाजिक ज्ञान और उनकी सामाजिक चेतना ने समाज में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बहुत बारीकी से देखा था। न केवल बारीकी से देखा था, बल्कि मनुवाद की घटिया और छोटी सोच को वह जीने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर भी थी। रमाबाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी।
आज भी लोग उन्हें मातोश्री रमाबाई के नाम से जानते हैं। 7 फरवरी 1898 को जन्मे रमाबाई की शादी साल 1996 में 9 वर्ष की उम्र में 14 साल के भीमराव से हुई। शादी के तुरंत बाद ही रमा को समझ आ गया था कि पिछड़े तबकों का उत्थान ही बाबा साहेब के जीवन का लक्ष्य है, और यह तभी संभव था जब वह खुद इतने शिक्षित हों कि पूरे देश में शिक्षा की मशाल जला सकें। बाबा साहेब के इसी संघर्ष में मातोश्री रमाबाई ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहेब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। बाबा साहेब ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली से भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। मातोश्री रमाबाई बहुत अधिक सक्रिय होकर सामाजिक कार्यों के जरिए महिलाओं के बीच तो नहीं जा सकी, लेकिन महिलाओं को किस तरह से खुद के लिए लड़ाई लड़नी है, वह भी उस समय में जब मनुवाद की बेड़ियां और घटिया सोच चारों ओर व्याप्त हो, उन्होंने वह करके दिखाया। मातोश्री रमाबाई हर परिस्थिति में बाबा साहेब के साथ थी। बाबा साहेब वर्षों तक अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे और इस समय में लोगों की बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने अपने घर को संभाले रखा। कभी वह घर घर जाकर उपले बेचती थी तो कभी कभी दूसरों के घर में काम करती थी। छोटा बड़ा काम कर अपने परिवार को चला रही थी, साथ ही बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च उठाने में भी मदद करती थी। तो वहीं दूसरी ओर सावित्री बाई फुले जब घर से अपने लक्ष्य की ओर निकलती थी तो मनुवादी लोग उन्हें रोकने के लिए उन पर कीचड़, पत्थर, यहां तक कि गोबर तक फेंक दिया करते थे। सावित्री बाई फुले मनुवाद की इस घटिया हरकत से पहले से वाकिफ थी, इसीलिए वह घर से निकलते समय अपने साथ एक अन्य साड़ी साथ ले जाया करती थी। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और साथ ही साथ पहली महिला शिक्षक होने का जिम्मा भी उठाया। सावित्रीबाई फुले ने हाथ में कलम उठाकर मराठी जमीन पर कविताएं उकेरी तो साथ में उन्होंने हिम्मत देकर लड़कियों को कलम भी पकड़ाई। इसी हिम्मत और हौसलों के आगे हाथ में पकड़े हुए पत्थर औरत और मर्द उनके आगे लगातार झुकते चले गए। इसी हिम्मत और हौसलों की दाद आज समाज के कई लोग देते हैं। साथियों, दोनों ही महिलाओं ने, तो महिलाएं ना कहकर अगर हम उन्हें क्रांति ज्योति कहें, दोनों ने ही महिलाओं की शिक्षा और उनकी चेतना को जगाने में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अगर मैं सावित्रीबाई फुले जी की बात करूं तो उन्होंने सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले ने बनाया था उसमें सक्रिय रूप से रहकर महिला और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर सदैव संघर्ष किया और एक पितृसत्ता और पुरुषवादी सोच का जो समाज था उस समाज की इस सोच को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं आदरणीय रमाबाई ने अपने पति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहकर उस दौर को देखा जो गरीबी और तंगहाली का था, बावजूद इसके उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनको बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक बनने का जो उनका सफर है उसमें वो लगातार उनकी साथी रही। जिस देश के ब्राह्मणवादी कवि द्वारा यहाँ की दलित शोषित वंचित जनता को ढोल गवार शूद्र अरुणारी यह सब ताड़न के अधिकारी माना गया हो, ऐसे देश में किसी दलित समाज की स्त्री द्वारा इन सारे अपमानों, बाधाओं, सड़े गले धार्मिक अंधविश्वास व रूढ़ियां तोड़कर निर्भयता और बहादुरी से घर घर गली गली घूमकर संपूर्ण स्त्री व दलित समाज के लिए शिक्षा की क्रांति ज्योति जला देना अपने आप में विश्व के किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति दिलाना और शिक्षित बनाना था। सावित्री बाई फुले ने हजारों हजार साल से शिक्षा से वंचित कर दिए गए शूद्र अधिशूद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए गए दरवाजे को एक ही झटके में खोल दिया। इन दरवाजों के खुलने की आवाज इतनी ऊंची और कान फोड़ू थी कि उसकी आवाज से पूना के सनातनियों के तो जैसे कान के पर्दे ही फट गए हों, वे भौचक्के होकर सामंती नींद से जाग उठे।
वह लोग सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले पर तरह तरह के घातक और प्राणलेवा प्रहार करने लगे। सावित्री और ज्योतिबा द्वारा दी जा रही शिक्षा की ज्योति बुझ जाए, इसके लिए उन्होंने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव को भड़काकर उन्हें घर से निकलवा दिया। घर से निकाले जाने के बाद भी सावित्री और ज्योतिबा ने अपना कार्य जारी रखा। जब सावित्री बाई फूले घर से बाहर लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी तो उन पर इन सनातनियों द्वारा गोबर पत्थर फेंके जाते थे। उन्हें रास्ते में रोककर ऊंची जाति के गुंडों द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी तथा उन्हें जान से मारने की लगातार धमकियां दी जाती थी। इन सभी के साथ साथ मातोश्री रमाबाई महिलाओं के लिए अब प्रेरणा स्रोत बनती जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। असल में शादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मातोश्री रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे, तो वहीं दूसरी ओर मातोश्री रमाबाई भी बाबा साहेब को साहेब कहकर बुलाती थी। मातोश्री रमाबाई अपने परिवार के साथ साथ अब महिलाओं के लिए भी एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही थी जिसकी बदौलत वह मनुवाद की पाखंडवादी सोच से उन्हें मुक्त करा सके। और आज उसी मुक्ति की बात समाज के कई अन्य लोग करते दिखाई पड़ते हैं। जैसा उन्होंने कहा भी है कि ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली न बैठे, आओ हम सब एक साथ शिक्षा को प्राप्त करें, शिक्षा लें। इसलिए शिक्षा की इस रोशनी को, शिक्षा की इस ज्योति को हमारे जीवन में जगाने में सावित्रीबाई फुले और रमाबाई का अविस्मरणीय योगदान है। साथ ही उन सभी दलितों को इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे संकीर्ण सोच के मध्य में भी अपने संघर्ष के दम पर वो पहचान बनाई, वो जगह बनाई, जिसकी बदौलत आज हम जैसे युवा इस मुकाम पर खड़े हैं और उन संघर्षों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। जीवन की जद्दोजहद में रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो खुद बाबा साहेब का मनोबल बढ़ाती रही। बाबा साहेब के साथ साथ इस देश के लोगों के प्रति रमाबाई का समर्पण देख रमाबाई पर कई लेखकों ने त्यागवंती, रमाई, रमा माउली और प्रिय रामू जैसे शीर्षकों की किताबें लिखी। 29 वर्ष तक बाबा साहेब का साथ निभाने के बाद साल 1935 में 27 मई के दिन एक लंबी बीमारी के चलते रमाबाई का निधन हो गया। अक्सर कहते हैं कि एक सफल और कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, और इसी बात को मातोश्री ने सच कर दिखाया था। पाखंडवाद और महिलाओं को सदियों से बेवकूफ बनाने का जो सिलसिला अब तक चला आ रहा था, कहीं उसका भेद न खुल जाए, इस डर से मनुवाद के गुंडों ने सावित्री बाई फूले को अब और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया था। मनुवाद के गुंडे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक बार मनुवाद के किसी गुंडे ने सावित्री बाई फूले को रास्ते में रोककर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ना जाने की धमकी दी। सावित्री बाई फूले ने हिम्मत जुटाकर उस गुंडे को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही साथ यह बता दिया कि अब वह पीछे नहीं हटने वाली है। सावित्री बाई ने उस दौर में काम करना शुरू किया जब धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम पर था। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म देते ही मार देना, विधवा स्त्री के साथ गलत व्यवहार और अनमेल विवाह जैसी अनेक प्रथाएं समाज को नपुंसक बनाए हुए थी। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्री बाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लगातार एक के बाद एक लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। पूना में अस्पृश्यता का सबसे क्रूर और अमानवीय रूप देखने को मिला। इन्हीं स्थानों पर दलित, वंचित और स्त्री समाज के लिए लगातार स्कूल खोलना भी एक तरह से इस बात का इशारा था कि अब ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलने में देर नहीं है। पूना के भिंडवाड़ा में 1848 में खुले पहले स्कूल में 6 छात्राओं ने दाखिला लिया, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष के बीच थी। इनके नाम अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मुकाशी, दुर्गा देशमुख,
माधवी थत्ते, सोनू पवार और जानी करडिले थे। सावित्री बाई लोगों के घर घर जाकर लोगों को अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए समझाया करती थीं, जिसके बाद पहले स्कूल में ही इतनी छात्राएं हो गईं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक और अन्य अध्यापक को स्कूल में नियुक्त किया गया। विष्णु पंत हत्ते ने मानवता के नाते मुफ्त में पढ़ाना स्वीकार कर विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दिया। सावित्री बाई फूले ने 1849 में पूना में उस्मान शेख के यहाँ मुस्लिम स्त्रियों व बच्चियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। 1849 में ही पूना, सतारा व अहमदनगर जिले में स्कूल खोले गए। सावित्री बाई फूले ने महिलाओं के लिए केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश भर में महिलाओं की दशा को बदलने के लिए साल 1852 में महिला मंडल का गठन कर महिला आंदोलन को एक नई राह दिखाई। इस महिला मंडल ने बाल विवाह और विधवा हो चुकी स्त्रियों पर समाज में किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया, और यही संघर्ष आज महिलाओं को किस स्थिति में ले आया है यह बात किसी से छिपी नहीं है। पहले हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसके सारे बाल कटवा दिए जाते थे। विधवाओं के सिर मुंडने जैसी कुरूतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्री बाई फूले ने नाइयों से विधवा के बाल न काटने का अनुरोध करते हुए आंदोलन चलाया। इसमें नाइयों ने विधवा स्त्रियों के बाल न काटने की प्रतिज्ञा ली। स्त्री के विधवा होने पर उसके परिवार के पुरुष जैसे देवर, जेठ, ससुर व अन्य संबंधियों द्वारा उसका दैहिक शोषण किया जाता था, जिसके कारण वह कई बार मां बन जाती थी। बदनामी से बचने के लिए विधवा या तो आत्महत्या कर लेती थी या फिर अपने अवैध बच्चे को मार डालती थी। अपने अवैध बच्चे के कारण वह खुद आत्महत्या न करे तथा अपने अजन्मे बच्चे को भी न मारे, इस उद्देश्य के साथ सावित्री बाई फूले ने भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला तथा असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम भी खोला। खुद सावित्री बाई फूले ने एक विधवा ब्राह्मण स्त्री काशीबाई, जो कि विधवा होने के बाद भी मां बनने वाली थी, उसको आत्महत्या करने से रोककर उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह भी करवाया, जो कि महाराष्ट्र का पहला अंतरजातीय विवाह था। सावित्री बाई फूले ने लगभग 48 वर्षों तक दलित, शोषित, पीड़ित स्त्रियों को इज्जत से रहने के लिए प्रेरित किया, उनमें स्वाभिमान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सावित्री बाई फूले की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसके माध्यम से वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देते हुए जाति तोड़ने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात का जिक्र करती हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। 1890 में ज्योतिबा फूले का निवारण होने के बाद भी सावित्री बाई फूले पूरे 7 साल समाज में काम करती रहीं। 1897 में महाराष्ट्र में भयंकर रूप से प्लेग फैल गया था, परंतु सावित्री बाई फूले बिना किसी भय के प्लेग पीड़ितों की मदद करती रही। एक प्लेग पीड़ित दलित बच्चे को बचाते हुए स्वयं भी वह प्लेग से पीड़ित हो गई। अंततः अपने पुत्र यशवंत के अस्पताल में 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई फूले का परिनिवारण हो गया। महिलाओं पर लिखी उनकी एक कविता, पो फटने से गोधुली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है, मुफ्तखोर पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं, क्या इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए। आज भी यह पंक्तियां महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। इन दोनों महान माताओं के बलिदान के कारण ही
आज इनके लाखों बच्चे सिर उठाकर जीवन जीने में सफल हैं। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की हम घोर निंदा करते हैं। हम ऐसी मनुवादी बेड़ियों का बहिष्कार करते हैं जो आज भी महिलाओं को उनके हक दिलाने और उन्हें जीवन जीने की आजादी नहीं देता। हम महिलाओं के सम्मान में तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता, वह आजाद नहीं हो जाती, वह सुरक्षित नहीं हो जाती। तो आप भी इसी तरह से आवाज उठाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक नए विषय और एक नए जज्बे के साथ हम आप सभी के सामने फिर से जल्द हाजिर होंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज लाइक करें और Instagram और Twitter पर फॉलो करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अम्बेडकर वादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।